जब कभी भी हम कुछ ऑनलाइन मंगवाते हैं तो हमें मार्केट की तुलना में 20% से लेकर 60% तक सस्ता मिलता है। यानी कि ऑनलाइन प्रोडक्ट को हम ऑफलाइन प्रोडक्ट से कंपेयर करें तो हमें सस्ता मिलता है। इसके पीछे 5 रीजन होते हैं। दूसरी बात, क्या आपको पता है कि जो ऑनलाइन प्रोडक्ट हम मंगवाते हैं वो नकली भी हो सकता है, यानी कि फेक भी हो सकता है, डुप्लीकेट भी हो सकता है और फर्स्ट कॉपी भी हो सकती है। तो जो जो रीजन होते हैं ऑनलाइन प्रोडक्ट सस्ते होने के, उसमें से पहला रीजन होता है लागत, लो कॉस्ट। जब कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट हम मंगवाते हैं तो दो तरह की कंपनीज होती है, एक जो होती है वो ई कॉमर्स कंपनी होती है, दूसरी जो कंपनी होती है वो ब्रांडेड कंपनी होती है। जैसे कि आपने कोई शूज मंगवाया, नाइकी का कोई शूज मंगवाया, तो जो नाइकी की वेबसाइट होगी, एक तो वो वेबसाइट होती है, दूसरी जो ई कॉमर्स कंपनी होती है जैसे कि फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजोन, तो इन कंपनी ये प्रोडक्ट बेचती है तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करती है। जो इनकी जो लागत आती है वो सबसे ज्यादा इसमें आती है, एडवर्टाइजमेंट में लागत आती है। उसके बाद जो ये कस्टमर केयर होते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, जो आपका प्रोडक्ट रिसीव करते हैं और उसको फाइनल करते हैं, भेजते हैं, तो उसमें लागत आती है। तीसरी जो लागत आती है वो प्रोडक्ट को अमेजोन या फ्लिपकार्ट में लिस्ट करने की लागत आती है। जब हम बात ऑफलाइन की करते हैं तो ऑफलाइन जो होते हैं मार्केट में प्रोडक्ट बेचने के लिए सबसे पहले शोरूम खोलना पड़ता है, दुकान ओपन करनी पड़ती है, तो उसमें दो तरह की लागत आती है। पहली लागत होती है वो, उसे हम बोलते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं होती। जैसे कि अगर फॉर एन एग्जाम्पल आपने नाइकी का शूज लेना है, तो अगर आप मार्केट में जाते हो, शोरूम पे जाते हो, तो नाइकी का शोरूम आपको किसी अच्छी लोकेशन में मिलेगा। उस लोकेशन पे शोरूम बनाने के लिए या तो रेंट ज़्यादा देना पड़ता है या फिर वो प्रॉपर्टी परचेज करनी पड़ती है, तो वो रेंट की लागत हर मंथ ऐड होती है। दूसरी चीज, उस शोरूम को बनाने के लिए एसी लगाना पड़ता है, लाइटिंग करनी पड़ती है, डेकोरेशन, फर्नीचर, तो ये होती है वन टाइम इन्वेस्टमेंट। दूसरी जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो खर्चे डेली होते हैं, उसमें होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, एसी, लाइटिंग का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। दूसरा, सैलरी देनी पड़ती है, सेल्स पर्सन, हेल्पर, एम्प्लॉय को सैलरी देनी पड़ती है। तो जो ऑफलाइन होते हैं उनकी इतनी लागत आती है। जब भी हम शोरूम से कुछ प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो उस प्रोडक्ट में ये लागत ऑलरेडी इंक्लूड होती है, इसलिए ऑफलाइन जो प्रोडक्ट होता है वो महंगा होता है। दूसरा रीजन होता है डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट 3 तरह के होते हैं। जब भी हम ऑनलाइन कुछ मंगवाते हैं तो हमें 3 तरह के डिस्काउंट मिलते हैं। जो पहला डिस्काउंट होता है वो हमें कंपनी खुद देती है, जो ई कॉमर्स कंपनी है लाइक की फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये खुद देते हैं। वो एक कूपन के रूप में हमें डिस्काउंट देते हैं। आप नोटिस करना, ये कूपन होता है टाइम लिमिटेड होता है कि आपको 1 मंथ, 1 साल के अंदर अंदर यूज करना पड़ेगा, मिनिमम परचेज करना पड़ता है। जैसे कि 2,000 की परचेज करने पर आपको इतने का कूपन मिलेगा। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी आपके साथ खेलती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करोगे और उस कूपन को यूज करने के लिए आप 1 मंथ में फिर से आओगे उनके पास और फिर से प्रोडक्ट परचेज करोगे। जो चीज़ आपको नहीं चाहिए वो भी आप परचेज करोगे, तो वो ज़्यादा प्रोडक्ट बेच के ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। वो अपनी पॉकेट से कूपन नहीं देते, उनकी एक मार्केट स्ट्रेटेजी है। दूसरा जो डिस्काउंट होता है वो होता है बैंक डिस्काउंट। अब एक चीज़ नोटिस करना, जब भी बैंक डिस्काउंट देता है तो वो 3 से 4 तरह के बैंक होते हैं, लाइक कि HDFC, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक। तो ये तीनों बैंक है, ये प्राइवेट बैंक है। इनका काम होता है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करना, करवाना कस्टमर से, कस्टमर की परचेजिंग पावर बढ़ाना। ये क्रेडिट कार्ड हमें दे देते हैं ताकि हम क्रेडिट कार्ड लेंगे, यूज करेंगे और ये अपनी फीस चार्ज करेंगे। तीसरा जो डिस्काउंट होता है उसे बोलते हैं ब्रांड डिस्काउंट, यानी कि जो प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे है, तो जो जो रिटेलर हमें वो प्रोडक्ट बेच रहा है वो खुद हमें डिस्काउंट देता है, तो ये ब्रांड डिस्काउंट है। ये अपने आप में तीसरा रीजन होता है ऑनलाइन सामान सस्ता मिलने का। ब्रांड और नॉन ब्रांड दो तरह के प्रोडक्ट ऑनलाइन मिलते हैं। नॉन ब्रांडेड जो प्रोडक्ट होते हैं वो छोटे रिटेलर होते हैं, वो अपनी एक मार्केट स्ट्रेटेजी क्या बनाते हैं, जैसे कि उन्होंने ऑफलाइन कोई प्रोडक्ट बेचा, वो प्रोडक्ट वो 100 रुपये में बेच के 20 रुपये प्रॉफिट कमाते हैं। तो पूरे दिन में वो हो सकता है 10 प्रोडक्ट बेच रहे हो, 4 प्रोडक्ट बेच रहे हो, बट वही प्रोडक्ट वो ऑनलाइन बेचेंगे, उस पर डिस्काउंट दे देंगे 10%, तो कहीं ना कहीं बचाते तो 10 रुपये है, बट डिस्काउंट के चक्कर में कस्टमर जो होते हैं वो ऑनलाइन जाकर 10 प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो 20 रुपये ऑफलाइन बचाते हैं और ऑनलाइन जाकर 10 रुपये बचा रहे, 100 रुपये बचाते हैं। तो इस चक्कर में वो ज़्यादा प्रोडक्ट बेच के ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं और साथ में उनकी एडवर्टाइजमेंट फ्री हो जाती है, पूरे इंडिया में उनको कस्टमर मिल जाते हैं। अब बात आती है ब्रांडेड की। तो जो ब्रांडेड जो प्रोडक्ट मिलते हैं उसमें सबसे पहले जो चीज़ नोटिस करनी पड़ती है, कभी भी ब्रांडेड प्रोडक्ट कंपनी डायरेक्ट नहीं बेचती। यानी कि अगर नाइकी का आप शूज़ ले रहे हो तो आप नोटिस करना कोई रिटेलर उस चीज़ को बेच रहा होगा। अब जो ब्रांडेड शूज होते हैं
ये फेक भी हो सकते हैं, नकली भी हो सकते हैं, फर्स्ट कॉपी भी हो सकते हैं, डुप्लीकेट भी हो सकते हैं। अगर आप कभी दिल्ली के सरोजनी नगर में गए हो, सरोजनी जो मार्केट बनी हुई है वहां पर जाते हो, तो आपको एक से एक बढ़कर ब्रांडेड आइटम है वो लो प्राइस में मिल जाएगी, इवन आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो जो ब्रांडेड जो डिस्काउंट देते हैं, इनके पीछे रीजन क्या होते हैं? जो पहला रीजन होता है कि तीन में से एक प्रोडक्ट ये नकली दे देते हैं, क्योंकि कंपनीज कभी भी ऑनलाइन प्रोडक्ट नहीं बेचती। जैसे कि प्यूमा या फिर नाइक की है, वो फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बेचती, ये हम ही रिटेलर होते हैं जो प्रोडक्ट बेचते हैं। तो वो तीन में से एक प्रोडक्ट नकली बेच देते हैं जिसका हमें पता नहीं लगता, टैगिंग प्राइस वगैरह सब कुछ सेम होता है। दूसरी चीज जो एक अपने आप पे चौथा रीजन है माल सस्ता मिलने का, वो रीजन क्या होता है कि आउटडेटेड, आउट फैशन और मैन्युफैक्चरिंग डेट जो होती है। कभी कभी भी आप नोटिस करना, जब भी आप ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगवाते हो तो मोस्टली जो प्रोडक्ट मंगवाए जाते हैं उनमें से फोन, कपड़े, शूज एंड ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं, जो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट होते हैं। तो आप अभी का जो ट्रेंड चल रहा है, iPhone 14 लॉन्च हो गया है, तो iPhone 13 का आप प्राइस फ्लिपकार्ट पे जाकर देखते हो तो वो आपको 53,000 में मिल जाएगा, अगर आपके पास फ्लिपकार्ट का प्लस अकाउंट है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि iPhone 14 आ चुका है, तो जो iPhone 13 है वो आउटडेटेड हो गया है, यानी कि लास्ट ईयर रिलीज हुआ था, उसके बाद अब वो आउटडेटेड हो गया है। तो कंपनी जो होती है वो प्रोडक्ट निकालती है, इसलिए उस पर डिस्काउंट ला देती है। इसके साथ बैंक भी ऑफर दे देते हैं। दूसरी चीज, आउट ऑफ फैशन, कोई प्रोडक्ट लास्ट ईयर लॉन्च हुआ वो मार्केट में नहीं बिका, तो जो ब्रांडेड कंपनी होती है ये क्या करती है, उस प्रोडक्ट को ऑनलाइन ला देती है और उस पर डिस्काउंट दे देती है कुछ ना कुछ, क्योंकि वो स्टॉक नहीं रखना चाहते, स्टॉक रखेंगे तो उस पर नुकसान होगा, तो कहीं ना कहीं फिर भी वो प्रॉफिट कमा जाते हैं। तीसरी चीज, आप कभी भी जैकेट मंगवाना, शूज मंगवाना, कुछ भी मंगवाना, कपड़े से रिलेटेड मंगवाना, ब्यूटी प्रोडक्ट मंगवाना, जो प्रोडक्ट आप मंगवाओगे उसकी पैकेजिंग देखना, टैग देखना, प्राइस देखना, एकदम ऐसे लगेगा कि जैसे नया है, बट जब भी आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देखोगे तो आप देखोगे कि वो 3 साल, 4 साल, 2 साल पुराना होता है, तो वो स्टॉक का माल होता है। जब कभी भी आउटलेट जो शोरूम होते हैं उसमें प्रोडक्ट नहीं बिकता, तो जो कंपनी जो होती है, ब्रांडेड कंपनी जो होती है, जैसे जैक एंड जोन्स है, कैलिन कैलविन है, तो ये क्या करेंगे, उधर से प्रोडक्ट चख लेंगे, ऑनलाइन डाल देंगे। उनकी ऑनलाइन हम कभी भी प्रोडक्ट मंगवाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं लिखी होती उस पर, प्राइस, कलर, क्वांटिटी सब कुछ लिखा होता है, बट जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो घर पे आके जब हम प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं उसके बाद पता चलती है। उस टाइम हमारा मन बन जाता है कि यार 10,000 रुपये की जैकेट 2,000 रुपये में मिल रही है, प्राइस भी ठीक है, टैग भी लगे हुए हैं, नई भी है, तो हम उसको रख लेते हैं। तो वो इस तरह से डिस्काउंट देकर कभी कभार तो आउटडेटेड माल बेच देती है, कभी आउट ऑफ फैशन माल, कभी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो पहले की होती है वो बेच देते हैं। जो पांचवा रीजन होता है वो ये होता है, जो सबसे बड़ा रीजन है, प्रोडक्ट को सस्ता मिलते हैं, क्योंकि जब भी ऑनलाइन कंपनी है लाइक कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन है, वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो वो डायरेक्ट फैक्ट्री से टाई अप कर लेते हैं, और फैक्ट्री से ऑनलाइन जब भी माल आता है तो उसके बीच में जो ब्रोकरेज होती है, जो कमीशन होता है, लाइक कि होलसेल से रिटेलर तक का जो कमीशन होता है वो उनको नहीं देना पड़ता। एक चीज़ उसको 10 रुपये, कंपनी को जो 10 रुपये में मिल रही है वही ऑफलाइन वालों को 15 रुपये में मिलती है, जो 15 रुपये वाले वो 17 की बेचेंगे और 10 रुपये वाले वो 12 की बेचेंगे। तो इस चक्कर में ऑनलाइन प्रोडक्ट हमें सस्ते मिल जाते हैं, बट कहीं ना कहीं फिर भी जो फेक जो प्रोडक्ट मिलते हैं, डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिलते हैं, फर्स्ट कॉपी का माल मिलता है, उसके लिए रिसर्च भी हो चुकी है। तो उसमें ये पाया गया कि हर 6,000 जो कस्टमर होते हैं उनमें से 38% कस्टमर ने ये माना है कि जो हमने प्रोडक्ट मंगवाए हैं, सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट फेक डुप्लीकेट मिलते हैं उनमें से आता है ब्यूटी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक कि ईयरबड, ईयरफोन, फोन से रिलेटेड कुछ भी होता है, क्योंकि इंडिया के अंदर अली बाबा नाम की जो चाइनीज कंपनी है उधर से प्रोडक्ट मंगवाए जाते हैं और इंडिया के अंदर बेचे जाते हैं, तो वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट होते हैं, फर्स्ट कॉपी का माल भी होता है। शूज है दिल्ली से चके जाते हैं और ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई किए जाते हैं, तो वो फर्स्ट कॉपी का माल होता है। तो इलेक्ट्रिक आइटम, क्लॉथ, शूज, ये कहीं ना कहीं डुप्लीकेट मिल जाते हैं, इसीलिए जो जो रिटेलर्स होते हैं वो बार बार स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड करते रहते हैं कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इनके पे थोड़ी कंट्रोल किया जाए, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ना चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन प्रोडक्ट बिके, क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का फायदा होता है। एक तो GST, स्टेट GST जो होती है और टैक्स होता है, वो टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है। जैसे ही आप प्रोडक्ट मंगवाओगे उस पर टैक्स इंक्लूड होता है, वही प्रोडक्ट आप ऑफलाइन मार्केट में लेने जाओगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वो टैक्स नहीं लिखते, आपको विदाउट बिल के भी प्रोडक्ट भेज देते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें फायदा होता है। जब भी बिग बिलियन
और जो फेस्टिवल सेल या फिर अमेजोन सेल आती है तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट की सेल होती है। उसके पीछे रीजन क्या होता है, जो स्टॉक इकट्ठा किया हुआ है दो से चार जो कंपनीज है, फ्लिपकार्ट अमेजोन है। पहले तो इंडिया के अंदर फ्लिपकार्ट कंपनी थी, बाद में वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया और उसके बाद अब अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों कंपनी इंडिया के अंदर काम कर रही है, जिनकी सेल दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ये क्या करते हैं, ऐसी सेल देकर हमें लालच देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम खरीदेंगे, जो चीज़ हमें नहीं खरीदनी होती वो भी खरीद लेते हैं। तो ये जो पुराना स्टॉक होता है वो निकाल देते हैं, हमें लालच देते हैं। उसके बाद जैसे कि जोमेटो स्विगी ने हमें लालच दिया था पहले कि आप कुछ भी मंगाओ डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा, आज के टाइम में देखोगे तो 60 से 80 रुपये तक डिलीवरी चार्ज लगता है। तो ये कंपनी यही कर रहे हैं, इनकी मार्केट स्ट्रेटेजी होती है। इसी के साथ ये डुप्लीकेट माल भी सप्लाई कर देते हैं, स्टॉक का माल भी बेच देते हैं। तो इस तरह ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑफलाइन की कंपेरेटिवली अगर देखें तो सस्ता मिलता है। इसी तरह की फाइनेंशियल, लीगल एंड अदर इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।